फ्रेंड्स, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। पर ऐसा क्यों होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्यों होता है ना? मैं आज आप लोगों से ये डिस्कस करूँगा। तो देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी एक साइड ए है और एक साइड बी है, ऐसा अपन मान लेते हैं। ये साइड की लेंथ ए है और ये दूसरी साइड की लेंथ बी है, ठीक है। तो हमें इन दोनों को ऐड करके इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो सपोज़ इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी है, तो इनको हम ऐड कर देते हैं। ये लो, इसे ऐड कर दिया भाई, ठीक है। अब इसका ए प्लस बी हो चुका, अब इसको हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये लो, ये क्या हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर। अब ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आना चाहिए। चलो देखते हैं इसको, ऐसे अपन यहाँ से है ना, ये ऐसे। तो ए का स्क्वायर कैसा हो जाएगा, ए का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर हो गया। और ये साइड बी है, तो ये देखो, ये बी का स्क्वायर हो गया। दिस इज़ ए स्क्वायर, दिस इज़ बी स्क्वायर। अब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या दिख रहा है, ये देखो, ये ए इंटू बी है और ये भी ए इंटू बी है। तो अब इसको टोटल ऐड करो, तो दिस इज़ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मिल गया। दिस इज़ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, प्लस ए इंटू बी टू ए बी, टू ए बी। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारा फाइनली क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। Thanks for watching.